10/8/2021 को सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में एक घटना घटी जिसमें एक रिटायर्ड कर्नल साहब थे, उनको कहीं से एक लिंक भेजा गया और जैसे ही उन्होंने लिंक क्लिक किया उसके बाद उनका पूरा फोन हैक हो गया और हैकिंग के बाद उनके अकाउंट से 6 लाख रुपए निकाल लिए गए और उसके बाद उन्होंने सूचना दी, उसमें हम लोगों ने FIR की। FIR करने के बाद तत्काल हमारी टीम लगी, हमारी साइबर जो टीम है उसमें काम करना शुरू की। हम लोगों ने उसमें जो हमारे पास एविडेंस थे डिजिटल एविडेंस उसको हम लोगों ने डेवलप किया और डेवलप करने के बाद पता चला कि ये राजस्थान के बीकानेर से ये इस तरह की घटना की गई है और वहाँ वहीं उसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। हम लोगों ने इमीडिएटली वहाँ पर उसमें कार्रवाई करते हुए अकाउंट को भी हम लोगों ने फ्रीज कराया और उसके बाद हम लोगों ने आज उसका जो एक मुख्य अभियुक्त था उसको गिरफ्तार किया है। उसका नाम चेतन प्रकाश उपाध्याय है, ये बीकानेर का रहने वाला है और इसके साथ इसका एक और साथी है, दोनों ने मिलकर के ये लिंक भेज करके और अकाउंट से पैसे निकाले थे। हम लोगों ने इसके इनके खिलाफ जो अभियोग पंजीकृत किया है उसमें इनको हम जेल भेज रहे हैं। साथ ही साथ जो दूसरा आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी हुई है और जो पैसा साइबर क्राइम के तहत जो पैसा इनका अकाउंट से निकाला गया था वो पैसा भी सुरक्षित है। वो बहुत अगले एक सप्ताह में वो पैसा भी वापस खंडल साहब के अकाउंट में आ जाएगा। इस प्रकार साइबर क्रिमिनल्स को हम लोगों ने अभी दर्द पहुँचा है। हम लोगों के माध्यम से मैं लोगों से अपील भी करूंगा कि कोई भी अननोन कॉल्स या कोई अननेसेसरी लिंक्स अगर आता है तो उसे क्लिक ना करें, उसे इंटरटेन ना करें, नहीं तो इस तरह की घटना होने की संभावना ज़्यादा है। रोज़ ही एक दो शिकायतें मिलती हैं तो इन कंडीशंस में हम लोगों को बहुत ही अलर्ट होकर के अपने फोन्स के लिंक्स और सबको क्लिक करना चाहिए, देखना चाहिए।